मेरे आका गए शादमानी का सवाल है मेरे आका गए शादमानी है शादमानी है शादमानी है शादमानी है शादमानी का समा है मेरे आका गए शादमानी का समा है मेरे आका गए शादमानी है शादमानी है शादमानी है शादमानी है शादमानी का समा है मेरे आका शादमानी का सवाल है मेरे आका गए शादमानी है शादमानी है। गोविंद सिंह लोधी गोविंद प्लाजा रेस्टोरेंट की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन और बकरा ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। न्यूज़ मीडिया ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। बकर ईद के मौके पर आप सभी देशवासियों को प्राइम 18 न्यूज़ मीडिया ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फतेहपुर सीकरी में एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां पर हाथरस से आए सैलानी फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए वहां पर जेम कतरों ने एक घटना को दिया अंजाम। यहाँ पर सैलानियों की चेन काट ली और यहाँ पर सैलानी काफ़ी परेशान हुए और मौके पर फतेहपुर सीकरी थाने पर पहुँचे। और ईद के दिन एक ऐसा मामला देखने को मिला है जहाँ पर एक बार फिर अधिकारियों पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लक्का गिरी से परेशान थे सैलानी। यहाँ पर जिस तरह से फतेहपुर सीकरी जो विश्व हेरिटेज सिटी है उसको बदनाम करते हुए एक बार फिर नजर आ रहे हैं। फतेहपुर सीकरी में आज ईद के मौके पर जहां खुशियों का माहौल है वहीं एक परिवार दुखी नजर आया। मामला दरगाह फतेहपुर सीकरी का है जहां हाथरस से घूमने आए कमल कुमार जी के परिवार की किसी ने जेब काट ली। परिवार के मुखिया के पास किराए के लिए भी पैसे नहीं बचे। परिवार के मुखिया के मुताबिक उनकी जेब से 30,000 रुपए किसी ने निकाल लिए। ये घटना तब हुई जब सभी लोग शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे। से कोई आश्वासन मिला आपको आपके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या कोई एफआईआर वगैरह पुलिस के लिए? फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे दरगाह हजरत शेख सलीम चिश्ती के मज़ार पर यहाँ अभी अभी एक घटना हुई। एक परिवार हाथरस से यहाँ घूमने के लिए आया हुआ था। वो मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गया कि इसी बीच किसी ने उनका पर्स यहाँ से चोरी कर लिया। उनके कहने के मुताबिक उनके पर्स के अंदर 30,000 रुपये थे। परेशानी उनके लिए यहाँ खड़ी हो गई कि अब वो अपने घर वापस कैसे जाएं। पूरा परिवार है यहाँ पर, उनके पास पैसे भी नहीं बचे कि किस तरह से वो परिवार के साथ अपने घर लौट करके जाएं। सारी परेशानी यहाँ खड़ी होती है कि मज़ार में कैमरे लगे होने के बावजूद चोर का पता नहीं चल सका कि चोर कौन है और पर्स लेकर के भाग गया। फतेहपुर सीकरी से अब्दुल कदीर की रिपोर्ट।